हर एक्शन छोटा है। अगर हमने किसी को अपने प्यार का एहसास कराना है, हर हरकत कम है, छोटी है। चाहे हस्बैंड आपको डायमंड का नेकलेस लाके दे दे, बेटा आपको जाके 10,000 वाली साड़ी ला दे, हर एक्शन छोटा है। क्योंकि सेट तो पहन लोगे, खुश भी हो जाओगे, मन कहेगा देख एक बार तारीफ नहीं की, अब मैंने पहना तो। मन कहेगा सेट तो ले आए, मैचिंग साड़ी तो ली नहीं साथ में। हर एक्शन अधूरा रहेगा। आप कभी भी देखना, चाहे लेने में चाहे देने में, अगर हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं प्यार एक्शंस में, उसके 10 एक्शन भी हमें हमेशा थोड़े रहते हैं। ऐसे तो किया इसने, ऐसे तो किया ही नहीं, फिर मुंझ गए हम। हम भी जब प्यार करते हैं एक्शन से, अगला मुंझेगा लास्टली। लेकिन प्यार का एहसास कैसे होता है? जब वो प्यार हृदय से उमड़ेगा, किसी के हृदय पे जाके असर करेगा। अब उसमें ना आप करता, ना आप अकर्ता, ना आप निष्काम, ना आप सकाम। हो गया, किया नहीं, हो गया, दिया नहीं, पहुंच गया, क्यों मेरा अपना आप है। तो ऐसा भगवत भाव रखने से वो जो रस अंदर से आता है, बढ़ाई उस रस की होती है। इसीलिए ज्ञानी में ना निष्काम है ना सकाम है, सूरज में ना दिन है ना रात है। दिन कैसे बोले सूरज में? दिन और रात आपकी धरती पे है, सूरज में तो नहीं है, सेम बात है। निष्काम और सकाम देह की धरती पे है, पर मुझ आत्मा में ना निष्काम है ना सकाम है। ये दूसरे से किया जाता है ना, सकाम भी दूसरे से, निष्काम भी दूसरे से है। अभी आप ये भी नहीं कहते मैं अपने आप से निष्काम करती हूं, सुबह नहला लेती हूं अपने को, अपने आप से निष्काम किया है, दूध का गिलास पिया है सुबह, आया कभी भाव? यानी कहीं सूक्ष्म मन में द्वैत है तो हम निष्काम की बोलियां बोलते हैं, कहीं है ना अंदर हमारे कहीं द्वैत है। और आप देखिए कभी भगवान के मुंह से आपने सुना, इतना इतना हम लोग उनके साथ रहे, कभी हमने उनके मुंह से निष्काम शब्द सुना? मैंने निष्काम किया, मैंने इतने शहरों में निष्काम किया, मां कर्ता भाव ही नहीं था, निष्काम सकाम कहां से आता, ये मैदान साफ था। कभी भूले से भी हमने नहीं सुनी ये बातें। हम सबको प्रेरित किया होगा निष्कामी बनो निष्कामी बनो, पर कभी उन्होंने कहा मैं निष्कामी हूं देखो? क्योंकि वो निष्काम सकाम से परे बैठे थे। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, साक्षी भाव में वो परे बैठे हैं, वो इन द्वंद्वों को पार किए बैठे हैं। आत्माकार हर द्वंद से परे, निर्द्वंद आत्मा माना निर्द्वंद। तो जहां द्वंद हो रहा हो ना, दो चीजें हो, निष्काम सकाम, सुख दुख, गम खुशी, वहां तक मेरा स्वरूप नहीं है, इनसे परे है मेरा स्वरूप। सच्चिदानंद तू, नित्य निर्द्वंद तू, बोध करो मैं निर्द्वंद स्वरूप हूं। ये फिर द्वंद मेरे में कैसे आ सकता है? सकाम और निष्काम तो द्वंद हुआ ना, ये मेरा स्वरूप हो ही नहीं सकता, ये मेरा स्वभाव हो ही नहीं सकता। हम लोग एक बार पूछा था भगवान से, भगवान आप ये सोच के करते हो मैं निष्कामी? बोले नहीं, मेरे में ना निष्काम का ख्याल आता है ना सकाम का, हम इतने सहज हैं कि काम का ख्याल ही नहीं आता, बात खत्म। उस समय तो नए नए थे, नहीं समझ आई थी, अब अनुभव में आई हैं ये बातें कि ज्ञानी कैसे निष्काम और सकाम के भाव से भी परे है। इसका और इजी एग्जांपल है, जैसे आप चम्मच से कुछ खाते हैं, मीठा खाओगे मीठा लगेगा, नमकीन खाओगे नमकीन लगेगा, कड़वा करेला का रस पी लोगे उससे कड़वा लगेगा, चम्मच को कौन सा टेस्ट है? कोई टेस्ट नहीं है। तो जब पूर्ण निष्कामी की बात आती है ना, वो चम्मच वाली स्थिति है। यहां तक बोला कि अगर ये महफिल लगा के भी तुमको मजा आ रहा है, तुम अभी सकामी हो, तुमको कुछ ना हो, आने वाले अपना फायदा ले गए। भगवान बोलते थे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कमरे में बैठी हूं चाहे सत्संग में बैठी हूं, मैं एक सीन, तुम आए तुम खुश हो गए, तुम्हारे
संकल्प से सत्संग हो गया, लेकिन मेरे अंतर एक ना दो।